आज माघ शुक्ल पूर्णिमा शनिवार 24 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज होली के डंडा का रोपनी उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज प्रातः काल 5 बजे से 5:30 बजे के बीच के हैं और अभी जो दृश्यमान है यह दिन के दृश्य हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की होली का दंडारोपण हो चुका है। अब से ठीक 1 माह पश्चात होली का प्रदीपन किया जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी श्री परेश नागर, खर्च भंडार के भंडारी जी श्री प्रकाश सनाट्य एवं परछने के मुखिया जी श्री के ग्वाल जी एवं मंदिर के अन्य कर्मचारी जिनमें श्रीनाथ गार्ड्स, कीर्तनिया, मशालची आदि ने विधि विधान से परंपरागत रूप से यह दंडारोपण किया। इसके साथ ही प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में धमार प्रारंभ हो गई है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कई परिवर्तन हुए हैं जिनसे संबंधित समस्त जानकारी हम गत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, जिनका लिंक वीडियो के अंत में है। जैसा कि हमने कल की प्रस्तुति में बताया था, आज प्रभु श्री जी में रिलायंस के अंबानी परिवार द्वारा अधिक का 56 भोग करवाया है, जिसके तहत नाथद्वारा में आए रिलायंस परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उनका परिवार नाथद्वारा पहुंचा। उन्होंने प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शन भी किए और 56 भोग में अपनी सेवाएं प्रदान की। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह राजभोग के दर्शन से पहले के हैं, जिसमें
मुकेश अंबानी का काफिला गुजर रहा है नाथद्वारा के चौपाटी बाजार से मोती महल की तरफ, जहां इनका मोती महल के चौक में भव्य स्वागत किया गया। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने अंबानी परिवार का परंपरागत रूप से समाधान भी किया। अंबानी परिवार के नाथद्वारा पहुंचने पर राजभोग के दर्शनों के समय बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन भी उनके काफिले को देखने के लिए रुके रहे। हालांकि सप्ताहांत होने से प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों की जनमेदनी उमड़ी थी। अधिक का 56 भोग होने के कारण प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में थोड़ी देर होती है। 56 भोग के भोग सरने के पश्चात ही दर्शन खुलते हैं, जिसके कारण आज राजभोग के दर्शन दोपहर 1 बजे के पश्चात खुले। उल्लेखनीय है कि अंबानी परिवार की प्रभु श्री जी में काफ़ी आस्था है और वे वर्ष में कई बार यहां आकर प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रोपनी उत्सव की आप सभी को पुनः खूब खूब बधाइयाँ। समय है तो दर्शन करने अवश्य आएं और आनंद लें। जय श्री कृष्ण। आज की आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी में होली का डांडा रोपण अर्थात रोपनी का उत्सव है। आज प्रभु को धराए जाने वाले श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं। इसके साथ ही नियम से ही कुछ विशेष परिवर्तन भी होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। गोशंद पति सूत गाए जाके वसीये गोशंद पति। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग के मौजा जी धराए गए हैं। मौजा जी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पेंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक दुर्लभ आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में मलमल की सादा पिछवाई सजाई हुई है, जिस पर होली खेल के तहत गुलाल, चंदन एवं अबीर से चिड़ियां उकेरी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है।
चरवित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की त्रष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के रेशम के धराए गए हैं। इनमें प्रभु को सूथन घेरदार वागा एवं चोली धराए हैं। आज चोली प्रभु को विशेष धराई गई है। यह चौवा की चोली है जो श्याम रंग की है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग के धराए गए हैं और सुनहरी किनारी से सुसज्जित मोठड़ा का कटिपटका भी धराया गया है जो ऊर्ध्वभुजा की ओर है। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल अबीर एवं चंदन से कलात्मक रूप से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार बाजूबंद पौची हस्त सांखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज श्वेत श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर सिरपेच धराया है तो साथ में मोरपंख का सुनहरी फोंदना वाला दोहरा कतरा धराया हुआ है। साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा दो जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से प्रभु को आज ताइत वाली माला जी एवं हीरा की कंठी धराई गई है। अतः आज त्रवल नहीं धराया गया है। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के बटदार वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। वसंत की सेवा के तहत प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ पुष्पों से बने हुए सुंदर छोगा भी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस मनमोहक रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आज सांची कहो मनमोहन तो खेलो राजभोग में अष्टपदी होती है, जिसके साथ खेलन फाग चली लालन संग आरती में ऋतु वसंत तरुलसंत शयन में ऋतु वसंत सुख खेलिए हो आयो कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से डोलोत्सव तक प्रभु श्रीजी में मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में जब होली खेल होता है तब प्रभु श्री जी के श्री चरणों को वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु के ब्रज भक्त सख्य भाव से प्रभु के साथ आनंद से होली खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला राजभोग उत्थापन भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है।
संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ ही श्री मस्तक पर लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोशंद पति सूत मंदिता उर गज मोर
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।